विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा को एसटीएफ ने, जो कि 1 लाख का इनामिया था और लगभग 2 साल से फरार था, उसको एसटीएफ ने पुणे से गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था और उसकी निशानदेही से आज थाना गोपीगंज के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाने के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। बरामद करके इसमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जैसा कि जो आप सभी लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा की जो गैंग है उसका मुख्तार अंसारी गैंग से गहरा कनेक्शन बताया जाता रहा है और कई इन दोनों गैंग की जो कई घटनाएं थी उसमें कई बार AK-47 के उपयोग की बात आई थी, कई घटनाओं में, कई हत्याओं की घटनाओं में। तो इस चीज़ के बारे में अभी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि ये AK-47 और जो अत्याधुनिक पिस्टल है ये इनको कहाँ से मिली और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। सर, ये जो पेट्रोल पंप है ये किस तरीके का पेट्रोल पंप है, चल रहा है, बंद है, किसके नाम पर है ये? अभी तक की जो जानकारी है ये विजय मिश्रा या उसकी पत्नी के नाम ये पेट्रोल पंप था और इसके गैंग के जो साथी हैं उन्हीं में से किसी के द्वारा चलाया जा रहा था और अभी वो साथी पिछले कुछ समय से जेल में था, तो ये इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी इसकी डिटेल और जानकारी की